Yes, he works in the बच्चों, आपने पहले साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में थ्योरिकल जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम देखेंगे साझेदारी के विघटन पर क्रियात्मक प्रश्न किस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो सामान्यतः साझेदारी के विघटन पर जो क्रियात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, चार प्रकार से होते हैं। एक सामान्य प्रश्न होते हैं जिसमें संपत्ति और दायित्व दिए रहते हैं, संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति बनती है कि साझेदारों द्वारा स्वयं ही संपत्तियां और दायित्व खरीद लिए जाते हैं और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। उस पर दूसरी परिस्थिति में क्रियात्मक प्रश्न हल करने का तरीका बदल जाता है। तीसरी परिस्थिति होती है क्रियात्मक प्रश्नों में पुराना चिट्ठा यानी बैलेंस शीट नहीं दी जाती है, उस स्थिति में क्रियात्मक प्रश्न को सॉल्व करते समय सर्वप्रथम हमें पुरानी बैलेंस शीट बनाना पड़ती है, उसके बाद में फिर वसूली खाता और अन्य खाते तैयार होते हैं। चौथी स्थिति आती है अघोषित संपत्ति एवं दायित्व की स्थिति में समापन। इसमें क्या होता है, फर्म की कुछ संपत्तियां या दायित्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते हैं, उस परिस्थिति में हमें सर्वप्रथम फर्म का पुराना चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाना पड़ती है और उसके पश्चात में प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं और उसमें वसूली खाता वगैरह बना पाते हैं। इसमें जो चारों क्रम है, सामान्य प्रश्न, संपत्ति और दायित्वों का साझेदार द्वारा लिया जाना, तीसरी परिस्थिति है पुराना चिट्ठा बनाना और समापन, और चौथी परिस्थिति है अघोषित संपत्ति और दायित्व की स्थिति में समापन। तो सर्वप्रथम हम सामान्य स्थिति में देखेंगे। मान लीजिए सामान्य स्थिति में आपका एक प्रश्न दिया गया है कि ए और बी साझेदार हैं, उनका चिट्ठा यानी बैलेंस शीट निम्नानुसार है, दायित्व साइड में पूंजी ए की 20,000, बी 14,000, लेनदार 6,000, ए का ऋण 8,000, संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट में दिया गया है मशीनरी 18,000, प्लांट 20,000, देनदार 5,000 और बैंक 5,000। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करके देखा जाएगा। अभी आगे लिखा है इन्होंने कि फर्म के विघटन का निर्णय लिया, साझेदार कौन कौन है, ए और बी, और फर्म का चिट्ठा दिया गया है। फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया जिसमें संपत्तियों से जो वसूली हो रही है उसमें मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 20% कम, प्लांट पर पुस्तकीय मूल्य से 10% कम, देनदारों से 4,000 रुपए और लेनदारों को 10% की कटौती पर भुगतान किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को करने में जो समापन व्यय है वो 1,000 रुपए हुए हैं। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन में कहना है कि समापन विघटन के संबंध में आवश्यक खाते खोलिए। तो जो बैलेंस शीट दी गई है, कौन कौन साझेदार हैं इसमें, ए और बी, इसके आधार पर जब हम समापन करेंगे वो सर्वप्रथम इसमें वसूली खाता बनेगा। तो वसूली खाता किस तरह से बनेगा वो आप देखें इसमें। वसूली खाते में दो पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट। इस तरह से आप वसूली खाते का प्रारूप बनाएंगे।
अब जो प्रश्न था, प्रश्न में मशीनरी 18,000 की दी हुई है, तो जो संपत्तियां बैलेंस शीट में दी रहती हैं वो हम वसूली खाते के डेबिट में लिखते हैं। मशीनरी कितने की है? 18,000। उसके बाद में प्लांट दिया है, प्लांट है 20,000, फिर है देनदार, देनदार दिए हुए हैं 5,000। ये संपत्तियां दी गई हैं बैलेंस शीट में। दूसरी स्थिति दायित्व, दायित्व में इन्होंने दिया है लेनदार, लेनदार दिए हैं 6,000 रुपए के, और दायित्व में ए का ऋण दिखाया, लेकिन जब किसी साझेदार का ऋण दिया हो तो वह हम वसूली खाते में नहीं लिखते, उसके लिए अलग से भुगतान किया जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो वसूली हुई है उसमें मशीनरी पर पुस्तकी मूल्य से 20% कम, तो जितनी भी संपत्तियों से वसूली होती है उसे हम बैंक में लेते हैं। मशीनरी कितने की है आपकी? 18,000। तो 18,000 का 20% कम कर देंगे, 3,600 रुपये कम हो जाएगा, तो मशीनरी से मिल जाएंगे हमको 14,400। फिर अगला है उनका, प्लांट पर इसके पुस्तकी मूल्य से 10% कम। प्लांट कितने का है? 20,000। 20,000 का 10% कम करेंगे, 2,000 कम हो जाएगा, प्लांट से मिलेंगे 18,000। फिर इसके बाद इनका कि देनदारों से 4,000 रुपए वसूल हुए। देनदार थे कितने के? 5,000, लेकिन देनदारों को जब बेचा गया तो उनसे या उनसे जो वसूली हुई है केवल कितनी हुई है? 4,000। तो इस तरह से कुल पैसा जो संस्था को संपत्तियों से प्राप्त हुआ वो राशि है 36,400। दूसरी तरफ लेनदार कितना है? 6,000। लेनदार को इन्होंने प्रश्न में बताया है कि लेनदारों को भुगतान 10% कम पर करना है, तो लेनदार जब 6,000 के हैं इसमें से 10% कम किया जाएगा तो लेनदार को भुगतान हो जाएगा, बैंक खाता से भुगतान करेंगे तो इनका भुगतान होगा 5,400 रुपये। इसके बाद में पूरे ये क्रिया करने पर, संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान करने पर कुल व्यय आया है 1,000 रुपये, तो ये भी वसूली खाते के डेबिट में लिखे जाएंगे। इस तरह से वसूली खाते से संबंधित जानकारियां लिखने के पश्चात अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस पक्ष में ज्यादा राशि है, तो यहाँ डेबिट पक्ष में ज्यादा राशि है, तो पहले डेबिट का योग लगाएंगे। इसमें से क्रेडिट का योग कितना हो रहा है? 42,400, इसको माइनस कर देंगे तो ये हानि होगी इस फर्म को, इसे हम साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ हानि अनुपात में भेज देंगे। कुल हानि कितनी हुई? 7,000। साझेदार कैसे हैं दोनों? ए और बी बराबर के साझेदार हैं, तो 7,000 रुपये के लिए हम दोनों ए और बी में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी 1:1 में बांट दिया जाएगा, तो ए को मिलेगा 3,500 रुपये और बी को भी मिलेगा 3,500 रुपये। ये इस क्वेश्चन में वसूली खाता बनकर तैयार हुआ। इसके पश्चात हमें बनाना पड़ेगा इसमें साझेदारों का पूंजी खाता। वसूली खाते में कुल 7,000 रुपए की हानि हुई है, जो कि ए और बी दोनों बराबर के साझेदार हैं, तो दोनों में बराबर बराबर बांट दी गई है। दोनों के लिए कितने कितने हिस्सा आया? 3,500 और 3,500। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का दूसरा खाता जो बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता। जब पूंजी खाता बनाया जाएगा तो इसमें कुल कितने साझेदार हैं? दो।
ए, दूसरा बी। इसी तरह क्रेडिट साइड में दो कॉलम रख, जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में जो पूंजी दी गई है, क्वेश्चन में पूंजी कितनी दी गई है, ए की पूंजी है 20,000 और बी की पूंजी 14,000, तो इस पूंजी को क्रेडिट साइड में लाते हैं, शेष नीचे लाए। ए का 20,000 रुपया, बी का 14,000। इसके पश्चात ये देखेंगे कि वसूली खाते से इनको हानि कितनी हुई थी, तो ए और बी दोनों के हिस्से में 3,500 और 3,500 की ये हानि आई है। तो वसूली खाते के क्रेडिट से हानि पूंजी खाते के डेबिट में आएगी, यहां पर लिखेंगे वसूली खाता से। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी प्रश्न में नहीं दी गई है, तो यहां पर हम इनका भुगतान करेंगे। तो ए का क्रेडिट में बैलेंस है 20,000, बी का 14,000, इसमें से डेबिट के 3,500 कम हो जाएंगे तो ए को रोकड़ दी जाएगी 16,500 और बी को 14,000 में से 3,500 कम हो जाएंगे तो इसको दिया जाएगा 10,500। इस तरह से ये पूंजी खाता तैयार हो गया। इसके बाद में बैंक खाता बनेगा। बैंक में सर्वप्रथम जो बैलेंस शीट में पुराना शेष दिया रहता उसे लिखेंगे। पुराना शेष 5,000 रुपये बताया था, तो इसको हम बैंक खाते के डेबिट में ले आएंगे, शेष नीचे लाए 5,000। इसके पश्चात वसूली खाते से जो संपत्तियों को बेचने से पैसा आया था उसे डेबिट में लिखेंगे। वसूली खाता से कितना रुपया आया था इनके पास में, 36,400। फिर वसूली खाते में जो भुगतान किए गए थे, एक तो लेनदारों को भुगतान किया था इन्होंने 5,400 रुपये, और दूसरा भुगतान समापन व्यय का था। समापन व्यय के लिए भुगतान किया गया था 1,000 रुपये। फिर ए का ऋण कितना था, 8,000 रुपये, तो ए के ऋण के लिए भुगतान कर देंगे। ए का ऋण 8,000 दे दिया, और यहाँ पूंजी जो शेष बची थी वो भुगतान में दी गई है, क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है तो अब भविष्य में व्यापार नहीं चलेगा, तो ए के लिए दिए गए हैं 16,500। और बी को भुगतान हुआ है 10,500। इस तरह से ये टोटल भुगतान कर दिया जाता है, और बैंक खाते का जब हम योग लगाएंगे तो दोनों साइड में ये बराबर आ जाता है। तो सामान्य प्रश्न जो दिए जाते हैं उसमें किसी साझेदार के द्वारा संपत्ति या दायित्व नहीं लिए जाते हैं। दूसरी परिस्थिति जो हमारी है वो है जब किसी संपत्ति और दायित्व को साझेदार द्वारा ले लिया जाए। जब किसी संपत्ति और दायित्व को साझेदार द्वारा लिया जाएगा तो कुछ चीजें साझेदारों के पूंजी खाते में चली जाती हैं। जैसे हम दूसरा प्रश्न देखना चाहें, यहाँ पर दिया है राम और रहीम एक व्यापार में 3:2 के साझेदार थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2006 को व्यापार का विघटन करने का निश्चय किया।
उस दिन उनका चेक था इस प्रकार था, लेनदार 11,000 रुपये, देय पर 2,000, बैंक ऋण 4,000, सामान्य संचय 3,000, पूंजी राम की 16,000 और रहीम की पूंजी 14,000, टोटल पूंजी 30,000। इसी तरह संपत्ति पक्ष में रोकड़ 1,000, देनदार 14,500, देनदारों पर आयोजन 500 रुपये का, विनियोग 4,000, विनियोग के बाद में स्टॉक 30,000 और फर्नीचर 1,000। इस तरह से ये राम और रहीम की बैलेंस शीट दी गई है। राम ने लेनदार को भुगतान का दायित्व ले लिया तथा रहीम ने विनियोग 3,500 रुपये में ले लिए। यहाँ पर साझेदार स्वयं संपत्ति और दायित्व ले रहे हैं। राम ने क्या लिया, लेनदार के भुगतान का दायित्व ले लिया और रहीम ने विनियोग 3,500 में ले लिए। देनदार और स्टॉक से 13,000 और 25,000 रुपये प्राप्त हुए, फर्नीचर से कुछ नहीं मिला, वसूली व्यय 3,000 रुपये हुए, वसूली खाता बनाइए। यानी यहाँ पर दूसरी स्थिति में क्वेश्चन है कि जब साझेदार स्वयं भी कुछ संपत्ति और दायित्व लेने को तैयार हो गए हैं, तो इस परिस्थिति में जब हम वसूली खाता बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। इन क्वेश्चनों में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीखेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम वसूली खाते में क्या लेकर आते हैं, संपत्तियां और दायित्व जो क्वेश्चन में दी गई हैं। तो क्वेश्चन में जो क्रम से विभिन्न हम संपत्तियां लेंगे, देनदार 14,500, विनियोग 4,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर फर्नीचर 1,000। इस तरह से कुल संपत्ति आपकी 49,500 रुपये की आएगी। उसके बाद में विविध दायित्व दिए हैं, दायित्व में देवल है, क्वेश्चन में कितने रुपए का देय बिल दिया गया है आपका, 2,000 रुपये, बैंक ऋण। यहाँ ये ध्यान रखना है वसूली खाते में यदि किसी साझेदार का ऋण है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यदि बैंक या किसी अन्य पार्टी का ऋण है तो वो वसूली खाते में लिखा जाता है दायित्व के रूप में। लेनदार दिए गए हैं 11,000 और देनदारों पे जो आयोजन था वो था 500 रुपये। इस तरह से कुल दायित्व आपके 17,500। अब यहां पर क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि जब विघटन किया गया तो राम ने लेनदार के भुगतान का दायित्व ले लिया। लेनदार कितने के हैं, 11,000।
ये 11,000 रुपये राम भुगतान करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम डेबिट में राम के पूंजी खाता में लिख देंगे 11,000 रुपये। दूसरी ओर क्वेश्चन में बताया गया है कि रहीम ने विनियोग 3,500 के ले लिए। संपत्ति चूंकि डेबिट साइड में है, तो जब संपत्ति कोई साझेदार लेगा तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना है। रहीम के पूंजी खाते में भेजेंगे, कितने में लिया रहीम ने? 3,500 रुपये में। किस चीज को लिया है रहीम ने? विनियोग को। तो ये ध्यान रखना है, जब कोई साझेदार दायित्वों का भुगतान करने तैयार है तो उस साझेदार के पूंजी खाते को वसूली खाते के डेबिट में लिखेंगे, और यदि कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उस साझेदार के पूंजी खाते को वसूली खाते के क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद में देनदार और स्टॉक को इन्होंने मार्केट में बेच दिया, तो जो चीज मार्केट में बेची जा रही है उससे रोकड़ प्राप्त होगी। देनदार और स्टॉक को बेचने से देनदारों से मिले हैं 13,000 रुपये और स्टॉक से मिले हुए हैं 25,000 रुपये। इस तरह से कुल 38,000 रुपये देनदार और स्टॉक को बेचने से प्राप्त हुए। दूसरी ओर आगे क्वेश्चन में बताया कि फर्नीचर से कुछ नहीं मिला, यानी फर्नीचर को बेचने से ना तो बिका है ना राशि प्राप्त हुई, तो उसे इसी तरह से छोड़ देंगे, उसका कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उनका आगे कहना है कि वसूली व्यय 3,000 रुपये हुए, तो ये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। ये जो वसूली के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई उस पर खर्च आया इनका 3,000 रुपये। फिर उसके बाद में है दायित्व में दो चीजें और रह गई हैं, देवल और बैंक ऋण। यदि इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, प्रश्न में कुछ भी ना दिया हो, तब भी इनका भुगतान करना आवश्यक रहता है, तो उस स्थिति में इन दोनों का हम भुगतान करेंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति भुगतान डिस्काउंट वगैरह पे कर रहा है तो वो राशि ले लेते हैं, नहीं है तो उनको पूरी पूरी राशि दी जाती है। तो इसमें देविल को 2,000 रुपये और बैंक ऋण को 4,000 रुपये चुकाना पड़ेंगे, तो टोटल भुगतान कितना हो जाएगा? 6,000। इसके पश्चात अब हम ये देखेंगे कि वसूली खाते में डेबिट का योग ज्यादा है या क्रेडिट का, इसे योग लगाकर देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेबिट का योग ज्यादा है, कुल कितना है? 69,500। दूसरी ओर क्रेडिट का योग कम है, तो इसका मतलब ये वसूली पर क्या हुई है? हानि। तो हानि साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगी। साझेदार कौन कौन है? राम और रहीम। इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात कितना है? 3:2। जब माइनस करेंगे डेबिट में से क्रेडिट तो हानि निकलेगी 10,500 रुपये। इसे 3:2 में बांट देंगे तो राम के हिस्से में आएगी 6,300 और रहीम के हिस्से में आएगा 4,200। इस तरह से ये वसूली खाता दूसरी परिस्थिति में तैयार हुआ। दूसरी परिस्थिति क्या है हमारी? कि जब संपत्तियों और दायित्वों को साझेदारों द्वारा ले लिया गया हो, यानी वो संपत्ति को खरीदने तैयार हो गए हैं कुछ, और कुछ दायित्वों का वो भुगतान करने तैयार हो गए हैं। इसके पश्चात तीसरी परिस्थिति है आपकी पुराना चिट्ठा बनाना और समापन। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में चिट्ठा नहीं दिया रहता, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट नहीं दी जाती है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि ए और बी जो साझेदारी व्यवसाय में है वे लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। क्वेश्चन ये देख लीजिए, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं।
ए और बी जो साझेदारी व्यवसाय में हैं, वे लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2006 को इन्होंने साझेदारी फर्म के समापन का निर्णय लिया। समापन की तिथि पर ए की पूंजी 1,25,030 रुपये और बी की पूंजी 2,070 रुपये थी। लेनदार कुल 23,150 रुपये और बैंक में रोकड़ कितनी थी? 4,500 रुपये। शेष संपत्ति से 1,24,209 रुपये वसूल हुए और समापन के व्यय 1,860 रुपये थे। समापन की तिथि पर आवश्यक खाते बनाइए। चूंकि यहाँ पर संपत्ति को बेचने से कितना पैसा मिला है ये तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि संपत्ति कितने की थी। तो इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जिस डेट में समापन हो रहा है उस समय की स्थिति में पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी, जिससे ये मालूम चल सके कि कुल संपत्तियां कितनी हैं। तो इसके लिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगी वो आप ये देख सकते हैं। ऊपर हम चिट्ठा लिखेंगे, चिट्ठे की जगह आप जो इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स हल करते हो वो बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006, जहां हम दायित्व लिख रहे हैं या लाइबिलिटीज होता है, राशि की जगह अमाउंट और संपत्ति की जगह असेट्स और राशि अमाउंट आएगा। यहाँ पर जब क्वेश्चन बताया गया तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, ये दिया गया कि ए की पूंजी 1,25,030 रुपये है। तो ये बैलेंस शीट में सबसे पहले आप पूंजी लिख लें ए की 1,25,030 रुपये, दूसरा बी की पूंजी 2,070 रुपये, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन से। फिर वो दे रहे हैं कि लेनदार 23,150 रुपये, तो ये लेनदार भी क्वेश्चन में दिया गया है 23,150 रुपये। अब इसके बाद में क्वेश्चन में ही आगे दिया है उन्होंने, आप यहाँ पढ़ेंगे, बैंक में रोकड़ 4,520 रुपये थी। ये क्वेश्चन में सभी चीजें लिखी हुई हैं, लेनदार 23,150 रुपये, बैंक में रोकड़ 4,520 रुपये। तो यहाँ पर हम जो बैंक की रोकड़ है वो बैलेंस शीट में चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखी जाती है, तो ये लिख दिया 4,520 रुपये। अब यहाँ पर परिस्थिति है कि हमें ये नहीं मालूम कि संपत्ति कुल कितने की। ये संपत्ति क्वेश्चन ये तो बता दिया है उन्होंने क्वेश्चन में कि संपत्ति से 1,24,910 रुपये वसूल हुए, वसूली तो बता रहे हैं पर ये नहीं मालूम कि वो संपत्ति कुल कितने की थी। तो ये संपत्ति कैसे निकाली जाए? तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें लेनदार दिए हैं, ए की पूंजी दी है, बी की पूंजी दी है और बैंक दिया है। तो इसमें जब हमें विविध संपत्ति निकालना होगी तो यहाँ पर जो निशान लगाया हुआ है ये जानकारी उपलब्ध है, इन जानकारियों को टोटल करेंगे जोड़ेंगे तो दायित्व पक्ष का योग 1,50,250 आ रहा है, जबकि संपत्ति पक्ष में केवल कितना है? 4,520। तो दायित्व पक्ष में से संपत्ति पक्ष के बैंक का अमाउंट हम माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आ रहा है वो विविध संपत्तियों का बैलेंस है, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? 1,45,730 रुपये। इस तरह से ये सबसे पहले हमें विविध संपत्तियों की वैल्यू निकालने के लिए बैक डेट में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी, फिर इस बैलेंस शीट के आधार पर हमारा वसूली खाता बनेगा। वसूली खाता कैसे बनेगा उसके लिए आप इसे देखिए। संपत्ति जो हमने निकाली, विविध संपत्ति कितने की आई? 1,45,730। लेनदार पहले से क्वेश्चन में दिए गए थे, ये बैलेंस शीट में भी है 23,150, तो ये लेनदार ले लिए 23,150। संपत्ति हमने बैक डेट के लिए बैलेंस शीट बना करके निकाली है 1,45,730। अब उनका कहना है कि जो संपत्तियां हैं वो कुल कितने में सेल की गई? 1,24,910।
ये क्वेश्चन में दिया है उन्होंने पहले से। यदि हम क्वेश्चन पर ध्यान दें तो वहां पर लिखा हुआ है कि शेष संपत्ति से 1,24,910 रुपए वसूल हुए। तो जो वसूली हुई है उसे हम वसूली खाते में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक के नाम से, या रोकड़ भी लिख सकते हैं आप। 1,24,910 रुपए प्राप्त हो गए। लेनदारों के संबंध में उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि लेनदारों को भुगतान किया गया है। कितना भुगतान किया गया है? कम नहीं किया है, तो वो तो जितने अमाउंट के लेनदार हैं वो पूरा अमाउंट भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके बाद में बैंक जो समापन का कार्य किया गया उसमें कुल खर्चा कितना आया इनका? 1,860 रुपए। इस तरह से हम ये वसूली खाते की पूरी जानकारियां लिख करके और फिर देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है। तो 1,70,740 में से क्रेडिट के ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो ये हानि आएगी। और ये हानि कहाँ भेज दी जाएगी? ए और बी के पूंजी खाते में। ए और बी किस रेशो में साझेदार है? 4:3 में। तो इस 4:3 में ये बांट करके दोनों को हानि हस्तांतरित की जाएगी उनके पूंजी खाते में। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वसूली खाते में। अब जो चौथी स्थिति है वो बाद में देख लेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह करना हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। कोई समस्या? प्रश्न? किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो? ठीक है।